हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल एंड रियल ब्लॉग विद रियांश। तो देखिए, अभी हम लोग आ गए हैं वापस यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग काफ़ी दिनों से, मतलब कि 5-6 महीने से अभी हम लोग अपने ससुराल में थे। हम लोग अपने घर चले गए थे, उसके बाद वापस आ गए हैं। तो देखिए क्या हालत हो रखी है। और आज मैं ना आप लोगों के साथ अपनी डीप क्लीनिंग शेयर करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने घर की हालत। तो आप लोगों ने बाहर तो देख ही लिया बाहर की हालत, और ये देखिए एंट्री करने के बाद घर का क्या हालत है। मतलब मैं तो पूरी सफाई करके गई थी, लेकिन फिर भी देखिए 6 महीनों में घर का क्या हालत हो रखा है। पूरे फ्रीज, पूरे घर, मतलब पूरा डस्ट डस्ट हो रखा है। ये सब आप देख रहे होंगे दरवाजे सब में भी, और मेरे किचन को भी पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करके गई थी, पूरी डीप क्लीन करके गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था ये 6 महीनों में। और ये देखिए किस तरह से हो गया है, जो भी देखिए पूरा, मतलब सीलन सी पड़ गई थी। और इस घर में कुछ ज़्यादा ही सीलन से पड़ती है। ये देखिए मेरे साफ़ी भी पूरे ज़्यादा कितने सीलन से गंदे हो गए हैं। और ये है मेरा रूम, तो ये मेरे रूम में भी बहुत सारे कचड़े फैले हुए हैं। तो देखिए आज मैं आप लोगों के साथ ना डीप क्लीनिंग शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने घर को डीप क्लीन करती हूँ। और आज का डे एकदम बिजी वाला डे है, जो कि आज आप लोगों के साथ मेरा ये डे जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले मैं ना अपने रूम से सफाई स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे हैं ना, तो फिर अगर ये लोग सोना चाहेंगे तो कहाँ सोएंगे, बच्चे लोग को तो कभी भी नींद आ जाए। तो इसीलिए पहले मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, ताकि यहाँ पर बच्चे आराम कर सके, यहीं पर खेल सके। तो इसीलिए मैं ना अपने पहले रूम में क्लीन करने के लिए आ गई। तो सबसे पहले मैं ना ऊपर के सारे चीज़ों को निकाल के अच्छे से पूरे, मतलब जितने भी रैक हैं, जितने भी झोल हैं, तो सारे डस्टिंग वगैरह सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले रैक को साफ कर रही हूँ, क्योंकि अगर रैक ऊपर से करेंगे ना तो रैक गंदा सब रह जाएगा, इसीलिए सबसे पहले रैक क्लीन करी। तो मैं सब सामान निकाल ले रही हूँ, और जितने न्यूज़पेपर वगैरह डले हुए थे ना, सारे कुछ चेंज कर दूँगी। तो फटाफट सारे काम में लगे हुए थे, और यहाँ पे दिव्यांशी थी जो कि वो देख रही थी। तो मेरा देखिए ऊपर का सारा क्लीन हो चुका है, आप सबको दिख रहा हो कि ऊपर में मैं डेकोरेट कर चुकी हूँ सारे सामान को निकाल के। अब यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ना नीचे कपड़ों वाले रैक रखी हुई हूँ, तो यहाँ पे ना मैं सब कपड़े रखती हूँ। वो हैंगर में अगर मैं कहीं जाती हूँ तो थोड़े समय के लिए अगर मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो वहीं पे हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि साड़ी तो रोज़ धोना नहीं होता। और मैं बहुत कम समय के लिए कहीं जाती हूँ तो साड़ी इतनी गंदी नहीं होती है, तो इसलिए मैं 1 से 2 बार पहन लेती हूँ, तो वहीं पे हैंग करके रखती हूँ, इसीलिए मेरा वहाँ पे हैंगर है। और नीचे में जितने बेडशीट वगैरह होते वो रखती हूँ। और ये है बच्चों का बैग, जिसमें कि बच्चों के छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं, इसीलिए मैं दोनों को सेपरेट बैग दी हुई हूँ। और इसी दोनों बैगों में ये है दिव्यांशी का बैग, और वो वाला ब्लू वाला है रियांश का बैग। तो दोनों के बैग में इनके कपड़े रहते हैं, क्योंकि इनके कपड़े बहुत छोटे रहते हैं, हम लोगों के कपड़ों के साथ मिक्स हो जाते हैं और समय पर मिलते नहीं। तो मैं अभी इनके कपड़े नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, तो बाद में आराम से निकालूंगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और ये भी मेरी सफाई में हेल्प कर रहे हैं। तो ऊपर मैं नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो पहले सफाई कर दे रहे हैं, थोड़े थोड़े मिलके सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना था। और हम लोगों ने ना सुबह से ही लगे हुए हैं काम में, और फिर लेट हो जाता है। तो ये देखिए मेरा रैक पूरे क्लीन हो गया, और देखिए रियांश सो गया है। अभी तो डस्टिंग वगैरह पूरी नहीं हुई है, तभी रियांश सो गया, तो उसे मैं झूले में ही सुला दी हूँ, क्योंकि अंदर ये रूम में ले जा रहे थे ना तो उठ जा रहा था, तो इसीलिए यहीं पे सुला दी हूँ। और मैं हॉल वगैरह पहले साफ़ कर ले रही हूँ, बाद में लास्ट में किचन करूँगी। यहाँ पे पहले हॉल कर ले रही हूँ, क्योंकि दिव्यांशी खेल रही है और अभी बहुत कचड़ा है ना, तो बच्चों को इन सब से चीज़ों से बचाना चाहिए ना, इसीलिए। और जितने जो बैठने वाले हैं ना, सबको जो सेवलॉन और पानी से इसे साफ़ कर दिए, हल्के हल्के कपड़ों से पोंछ दिए हैं, ताकि जितने भी अगर कोई आए होंगे हम लोग के एब्सेंस में, या फिर हम लोग जब मार्केटिंग कर रहे थे तो कुछ कुछ समय के लिए 5-10 मिनट के लिए आते थे, तो ये हम लोगों ने बाहर से आते थे, और उस ड्यूरेशन लॉकडाउन चल रहा था काफ़ी ज़ोरों शोरों से, तो इसीलिए इसे हम लोगों ने डिटॉल से, मतलब सेवलॉन से और पानी से हल्के हल्के भिंगो करके कपड़े से और सफाई कर दी। और यहाँ पर वो
कूलर की सफाई करने में लगे हुए हैं और मेरा उधर का सारा काम हो चुका था। अभी घर धुलना बाकी है। जब मेरा किचन का भी पूरी सफाई हो जाएगी, अब किचन की डीप क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद रूम को पूरी धो दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आ गई हूँ और जितने भी यहाँ मेरे सारे बर्तन वगैरह सारे धुले हुए थे, वो मैं आप लोगों को घी दिखा रही थी, घी था। और जो हल्दी रखी हुई थी ना, हल्दी में ना छोटे से आँख आ गए थे, मतलब कि अब वो ना पौधे के रूप में कन्वर्ट होने है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ भी मैंने पूरी सफाई कर दी, मतलब जितने बर्तन वगैरह सब नीचे ले आई हूँ, और इतने दिनों में ना बहुत डस्ट हो जाता है, इसलिए मैं सारे बर्तनों को धोऊँगी, इसीलिए मैं उसे नीचे ले आई। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सर्फ ले ली हूँ और यहाँ पे उसे ब्रश से साफ़ कर दी हूँ, पूरी रैक को ऊपर नीचे जितने दोनों जगह मैं बर्तन, ऊपर वाले में बर्तन रखती हूँ और नीचे वाले में जो भी मसाले के डब्बे रहते हैं, तो यहाँ सारे बर्तनों एक धो ले रही हूँ। और ये जितने भी बर्तन मैं पहले भी धोल के गई थी, लेकिन फिर भी सब धो ले रही हूँ, क्योंकि इतने दिनों में ना धूल और ये जो पुराना घर है ना, इससे बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ डस्ट हो जाता है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है रूम की। तो एक साइड की देख सकते हैं, मेरा रैक पूरा क्लीन हो गया है और केंट भी साफ़ हो गया है। मैंने सब कुछ उधर साफ़ करके और एक साइड से ही करती हूँ मैं, क्योंकि सारे निकाल लूँगी ना तो बीच में कहीं आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा, और मुझे बाहर हॉल तरफ भी खाली रखना है, क्योंकि दोनों बच्चे खेलते हैं, इधर उधर होते हैं, इसीलिए चोट लग जाएगी, इसलिए मैं पहले एक एक रैक करके करती हूँ। तो इधर का मैंने पहले कर लिया है, ताकि बर्तन रखते जाऊँगी और यहीं पे बर्तन भरता है, इसलिए सबसे पहले उसको की हूँ। अब इस साइड में आई हुई हूँ, तो मैं इस साइड में पहले ऊपर से सफाई करूँगी। तो ऊपर में देखिए, मैं ना यहाँ पे वॉलपेपर जो होता है वो लगा के रखी हुई थी, मैं फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी वॉलपेपर। यहाँ पे जो जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो तेल मसाले लग जाते हैं, तो दीवार पूरा गंदा हो गया था, इसीलिए मैं ना वॉलपेपर लगा दी थी। तो और एक साल से ज़्यादा मेरा ये वॉलपेपर चला, तब भी ना बहुत अच्छा था, कहीं ऊपर ऊपर में थोड़ा सा निकला हुआ था और बीच बहुत अच्छे से चिपका हुआ था, वो निकल नहीं रहा था, फिर भी मैं निकाल दे रही थी, क्योंकि बहुत सीलन के वजह से ना भुकड़ भुकड़ सा गया था, उसमें पूरी डस्ट हो गई थी और बहुत ख़राब लग रहा था। वैसे चाहती तो वो क्लीन हो जाता अगर मैं उसे हल्के भीगे कपड़े से क्लीन करती सर्फ लगा करके तो, लेकिन मुझे लगा ना कि बहुत ज़्यादा हो गया, इसे अब साफ़ नहीं करना चाहिए। और एक साल हो भी गया था, एक साल से ऊपर, तो मैं उस ये नया ऑर्डर कर रही हूँ और नया उसमें डाल दूँगी, और जब नया मैं लगाऊँगी ना, तब आप लोगों के साथ भी दिखाऊँगी कि मैं कौन सी चूज़ की। तो इस बार ना मेरा कुछ वैसा खास नहीं था फ्लावर वाला है, लेकिन अभी मैं कुछ अच्छा ढूंढ रही हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए। और ऊपर में ना मेरा कुछ और बर्तन सारे हैं, डब्बे मैं रखती हूँ वहाँ पे तेल वगैरह के, और मिक्सी सब रहता है, तो वही सब मैं हटा रही हूँ। और ये देखिए, ऊपर में ना जो भी खाना के जो बनाती हूँ ना, तो उसके जो तेल होते हैं जिससे स्टीम वगैरह से, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, उसमें मेरा ना मिक्सी है, तो उसे भी मैं निकाल के साफ़ कर दूँगी, अब उसको भी चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे भी जितने झोल वगैरह थे वो साफ़ कर दी, ज़्यादा ऊपर में सामान नहीं रहता है तो उतनी दिक्कत नहीं हो रहा था, वो बस एक बार में हो गया। वो बर्तन वाले साइड मैं नहीं हटाई हूँ एक कार्टून, और उसको वहीं रहने दी, क्योंकि वो नहीं निकालता है ना, इसीलिए वो जिसका तस है। और यहाँ पे जितने तेल के डब्बे रखती हूँ, तो तेल के डब्बे से थोड़ा ख़राब हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ भी न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ चेंज कर दे रही हूँ। और ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बहुत बिजी शेड्यूल वाला दिन था मेरा ये, और इसीलिए ना मुझे लगता है कि घर कभी छोड़ के जाना नहीं चाहिए, अगर घर छूट जाए ना तो काम बढ़ जाता है, जबकि कितनी सफाई करके गई थी फिर भी ऐसा ही है मेरा। तो वहाँ पर रख दी हूँ, वो देख रहे हैं आप, वो जो इसकी प्लास्टिक लगी हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे ना उसे रैप कर दे रही हूँ पेपर से, क्योंकि गंदा होगा तो अंदर वाला गंदा ना होगा, पेपर गंदा होगा, ताकि मैं पेपर को बदल दूँ। तो यहाँ पे मैं मिक्सी साफ़ कर रही हूँ, तो मिक्सी भी बहुत ज़्यादा तेल मसालों से चटचट सा हो गया था, तो मैं भीगे कपड़े में हल्के से सर्फ ले करके उसे साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद दोबारा मैं भिगा के ले आई हूँ कपड़े, और अच्छे मतलब ड्राई कर ली हूँ उसे हल्के भीगे हुए, और उसे मैं फिर पूरा पोंछ दूँगी जो भी सर्फ वगैरह। और मेरा ना मिक्सी का 5 साल हो गया है, फिर भी मेरा एकदम नए जैसा है, मैं इसी तरह से हमेशा सफाई करके रखती हूँ। तो अभी भी देखिए, इसमें पॉलीथीन लगा हुआ है,
तो वही मैं निकाल रही थी। अब पहले मैं गैस साफ कर ली हूँ, उसके बाद ये वाले स्लैब करूँगी, इसलिए पहले मैं गैस को साफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं गैस में भी हल्का सर्फ डाल के और साफ करती हूँ। ऐसे तो मैं गर्म पानी डाल के, लेकिन गैस में अभी कनेक्शन नहीं है इतने दिनों से, इसीलिए अभी मैं ऐसे ही साफ़ कर दे रही हूँ। और ये रैक को भी साफ कर दे रही हूँ। यहाँ पे बस क्या बोलते हैं, टेम्प्रोरी सा रैक बना हुआ है ये, नन ऑर्गेनाइज वाला, मतलब नन मॉड्यूलर वाला किचन है ये मेरा। तो बस इसी तरह का मैं इसी तरह अरेंज कर गई थी, तो वहाँ भी सफाई हो चुकी है। और इधर बस एक साइड की रैक मुझे साफ़ करनी है, और जितने भी डब्बे हैं ना वो सारे साफ़ करने। तो वही मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ कि ऊपर देखिए, ऊपर मेरे सफाई हो गया, इधर गैश और इधर के भी सारी सफाई हो चुके हैं मेरे, और सब मैं यहाँ पे रख दी हूँ, बाद में इसे ऑर्गेनाइज करूँगी। और बस सिर्फ मुझे डब्बे धुलने हैं, उसके बाद मुझे घर धुलना है। तो इतने सारे काम करते करते ना देखिए, अब अराउंड 8 बजने वाला है, 7:59 हो रहा है, और अब जोरों की भूख लग गई थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी कितनी सफाई हो चुकी है। तो मेरी रूम तो आप देख ली हैं, और इधर के जो कपड़े रखे हुए, कपड़े आज मैं नहीं धोई हूँ, जितना भी बेडशीट वगैरह था सब मैं निकाल दी हूँ और मैं उसे कल धोऊँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े रखे हुए हैं मुझे, और जितने भी मैट्स हैं सब, वो सारे कंबल भी मुझे धोने हैं, और यहाँ के बेडशीट निकाल दी हूँ, और जितने भी थैले वैले थे सब मैं हम लोगों ने ले के आया। और किचन पूरा साफ हो चुका है, किचन में बस मैं साफ करके रख दी हूँ बर्तन, इसे ऑर्गेनाइज़ नहीं की हूँ, इसे धीरे धीरे करूँगी ऑर्गेनाइज़। तो अब तो इतनी काम करते करते भूख लगी है, तो तब तक ने मेरे हस्बैंड ने स्विगी से ऑर्डर कर दिया है। तो अब हो गया है डिनर टाइम, तो यहाँ पे हम लोगों का ऑर्डर आ चुका है स्विगी से। जानती हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, तो भी आ गया है ऑर्डर, क्योंकि अभी पूरे सेट नहीं हुआ है किचन, तो खाना बनाना बहुत दिक्कत था। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे रियांश नेक्स्ट डे मॉर्निंग सवेरे उठ के वाइपर देखा तो वहाँ पे वाइप कर रहा है, वो उसके साथ खेल रहा था वाइपर के साथ। तो यहाँ पे उसकी मस्ती देखी और ढेर सारी मस्ती देखी। नेक्स्ट डे बहुत थोड़ा राहत हो गया था। इधर आ गए हैं हम लोग बाहर में, तो बाहर में वो बॉल और बैट के साथ खेल रहा था रियांश, दिव्यांशी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो बस हम लोग दोनों बैठे हुए थे बाहर में, हम लोग भी इन लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे, थोड़ा टाइम दे रहे थे, क्योंकि बहुत दिन ना पूरा बिजी थे हम लोग, टाइम नहीं दे पाए बच्चों को, इसीलिए इन लोगों के साथ हम लोग बैठ करके थोड़ा सा खेल रहे थे, इन लोगों के साथ भी मस्ती कर रहे थे। और जब तक ये लोग खेल रहे थे, 5-10 मिनट खेलने के बाद, उसके बाद मैं अंदर आ गई, और उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है किचन, और आज मेरा किचन में बनेगा आज से खाना, क्योंकि अब हो चुका है ऑर्गेनाइज़ मेरा किचन। नाइट के लिए तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, लेकिन रोज़ रोज़ ऑर्डर नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो आज बस हम लोगों का किचन रेडी हो गया, और यहाँ पे मैं तलने वाली हूँ चिप्स मॉर्निंग के टाइम में।